चंद्रमा आहा आहा चंद्रमा, जमी पर तो कभी आहा आहा चंद्रमा, ओहो 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 ओहो। अरे भाग्यवान, मेरे गले पड़ने के लिए ये गीत संगीत किस लिए, और ये आंखें बंद करके कौन सी साधना की जा रही है? ऐसा कुछ नहीं जी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, तब आप किस तरह दिखते थे ये सोच रही थी ना, तो आंखें बंद कर ली। आप अपनी आंखें बंद करके कुछ भी गुनगुना सकती हो, सोच सकती हो, इसकी छूट है, पर अगर आप खाना बनाने में ध्यान रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हेलो हेलो, राम मोहन जी घर पे है? वो तो नहीं है, आप कौन है? मेरा नाम शर्मिला है। ओ आहा, शर्म के मारे डूबा जा रहा है आपका नाम। कौन हो तुम, नौकर हो क्या? हाँ जी, देखा जाए तो नौकर ही हूँ। मेरी नौकरी से राम मोहन जी के पिताजी राजा राम जी ने जन्म लिया था, और उनकी मेहनत से राम मोहन ने जन्म लिया, और सौभाग्य से मैं राम मोहन का दादा हूँ, और उसकी दादी का इकलौता पति हूँ। अरे बाप रे। हेलो हेलो, शर्मिला। मालिक। हाँ? ओ मालिक। ओहो हो 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 हो। सम्राट आओ आओ, सब ठीक है? इतने दिन से सोच रहा था तुम कहाँ हो, दिखते ही नहीं, आज दिख गए। तबीयत कैसी है, क्या हुआ, आपको देखे बहुत दिन हो गए, कहाँ थे भाई आप? जेल गया था मालिक। इसीलिए ठीक दिख रहे हो। अरे भाग्यवान, जरा देखो तो कौन आया है। कौन आया जी, नमस्कार। कुछ खाने को मिलेगा माता जी? क्यों जी, आपने इसके स्वागत के लिए मुझे बुलाया? मैं समझी कोई बड़ा आदमी आया होगा। क्यों जी, आपको पता होना चाहिए ना कि किसका स्वागत करना चाहिए। देखिए जी, मेरी दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं, सबके अंदर देवता हैं। जानती है मैं आपको इतना सम्मान क्यों देता हूँ, क्योंकि आप में भी देवी है। कौन सी देवी? काली माँ, जिससे सब थर थर कांपते हैं। ए हंस क्यों रहे हो, खाना नहीं है, जाओ, मैं जा रही हूँ। मालिक। हाँ जी। ये क्या है, अभी तक खाना नहीं बना? सुनो बड़े मालिक, अपनी तबीयत का ख्याल रखो, नहीं तो आपकी भी हालत मेरे जैसे हो जाएगी। हेलो हेलो, क्या राम मोहन जी घर पर हैं? आप कौन हैं? बंदी को सुजुकी राज की कुमारी कहते हैं। बेटा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैंने ऐसा नाम नहीं सुना। वैसे बहुत अच्छा नाम है आपका, पर राम मोहन घर पे नहीं है। कोई बात नहीं, उनके आते ही उनसे कहना कि मेरा फोन आया था। जरूर कहूंगा, और यही तो मेरा काम है, कह दूंगा। सर। हा? नमस्कार सर। आइए आइए, सब ठीक है ना? हाँ जी। क्या हुआ, बहुत दुबले हो गए हैं, अब यहाँ क्यों रुक गए, आइए अंदर आइए। भाग्यवान, देखिए तो सही कौन आया है। हे भगवान, अब कौन सा भिखारी आ गया है? अभी बताती हूँ, इन्हें चाहे कितनी बार कहो लेकिन ये भिखारी। नमस्ते मालकिन, मैं हूँ। हाँ ये है। ओ ये है। हाँ, अपनी फैक्ट्री के जरूरी कागजातों पर छोटे मालिक राममोहन जी ने सिग्नेचर लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। मेरा बेटा अभी तक फैक्ट्री में है। ओहो, वो वहाँ क्यों रहेगा, उसका नाम राममोहन जो है अपने दादा पर गया है। वेलकम। हाहा। आकाश भी झूमे इस दिल में, मेरा है ये हुनर देखो, छाया है कैसा असर देखो, सब मिलके झूमो जरा, नाचो सारी रात तुम इस तरह, सब मिलके झूमो जरा, नाचो सारी रात तुम इस तरह, कम कम वेलकम स्वागतम। यारा मिलके मुस्कुरा,
चार दिन की जिंदगानी इसको तू ऐसे ना गवा। जॉइंट साइड, अरे कर ले जो भी तुझको तेरा दिल बोले। मन के भीतर मन के बाहर क्या ढूंढे, बात मेरी जरा सुन ले तू, फूल खुशियों के भी चुन ले तू। ये दिलों की है बातें जनाब, हाँ कब थोड़ा सा तो बोल ले तू। डोंट केयर, मैं हूँ प्रेम नगर का सम्राट। नाचे जमीन लोगों इस दिल में, आकाश भी झूमे इस दिल में। चूम लो यार परवानों के जैसे, यस बेबे अनुभव हो सच्चा, भूलोगे फिर कैसे सटली। अंदर आग सी जलती रहती है हर दम, प्रेम की अग्नि अब तो कभी भी ना होगी कम। डोंट केयर, बन जाओ तुम भी प्रेम पुजारी। नाचे जमीन लोगों इस दिल में, मेरा है ये हुनर देखो, छाया है कैसा असर देखो। सब मिलके झूमो जरा, नाचो सारी रात तुम इस तरह। अरे 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 अरे, सब मिलके झूमो जरा, नाचो सारी रात तुम इस तरह। हमारी तबीयत तो ठीक ही है। आप अमेरिका आ रहे हैं ना? आपको कितना भी फोन करो आप आते ही नहीं है। कब आ रहे हैं यहाँ? दादी यहाँ बहुत काम है। क्या काम बहुत है? दवाइयाँ तो ले रहे हैं ना आप? हाँ। राम मोहन कैसा है? तुम्हारे बेटे को क्या चिंता है? भगवान क्यों भाई, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? सॉरी मिस्टर, चुप हो जाना। कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मुझे नहीं लगी तो साइकिल को तो लगी होगी ना। अब बंद भी कर और ये ले पैसे, खर्चे के लिए रख ले, ये ले। आज अपने खर्चे पर तुम सभी को चाय पिलाने जा रहा हूँ मैं, पियो और ऐश करो। क्या तूने अपने घर के सारे बर्तन बेच दिए? नहीं, कार के नीचे आया था। कार के नीचे? हाँ, बहुत बड़ा करोड़पति था, हजार रुपए दिए हैं। अभी डांस क्लास शुरू नहीं हुई क्या? उनकी मैडम नहीं आई है। हाँ? अभी तक नहीं आई? ये रोज लेट होती है, आज आने दो, देखता हूँ। मेरे इस ड्रामा कंपनी के ओनर को तुम नहीं जानती, जरा भी लेट हो जाओ ना पूरी कंपनी सर पे उठा लेता है। तुम दवाई खा लो ना। जब से तेरे पिताजी गए हैं सारी जिम्मेदारी तुम्हारे पर है, बाहर भी काम करना पड़ता है, कम से कम घर के कामों में हाथ बटाऊं, लेकिन इस बीमारी की वजह से। अब छोड़ो माँ वो सब, तुम पहले दवाई खा लो। टेबल पे खाना रखा हुआ है, बाद में उसे खा लेना। हे भगवान, टाइम हो रहा है। ये इस चप्पल को भी अभी चुपना था। नमस्ते। हाँ नमस्ते मैडम। गांधीनगर की तरफ को जा रहे हो? हाँ। मैं भी वही अपने डांस स्कूल जा रही हूँ, लेट होती जा रही हूँ, बस भी छूट गई है, पैरों की चप्पल भी टूट गई है। थोड़ा सा रहम करो, मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर दो प्लीज। प्लीज, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। लिफ्ट के लिए इतने बहाने की जरूरत नहीं है, दिखने में तो पढ़ी लिखी लगती हूँ। क्या मैं तुम्हारी इतनी सी भी हेल्प नहीं कर सकता? बैठो बैठो। थैंक यू। वही कार है, पर मैडम इसमें कैसे? ये है हमारा डांस स्कूल। बहुत अच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तेरी कार के नीचे नहीं, कार के नीचे नहीं। अच्छा बाबा नहीं आऊंगा, लेकिन बात सुन। हमारी कीर्ति मैडम तुम्हारी कार से कैसे आई?
कहीं मालिक से कह तो नहीं देगा? वो ना हमारे मालिक की बहुत ही करीब है। मतलब तुम यही रुको, मैं अभी मास्टर को बुला के लाता हूँ। हाँ इधर मैं रुकूं लूटने के लिए? ऐसा तब होगा जब मैं यहाँ रुकूंगा, निकल लेता हूँ। इसका मतलब क्या है? हर रोज लेट आती हो, जवाब दो मुझे। वो क्या हुआ? क्या क्या हुआ? मुझे अकेले को ही सारा काम करना पड़ता है। हा? मेरी माँ की तबीयत खराब है, उन्हें दवाई दिए बिना मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मकान मालिक आकर किराए के लिए झगड़ा करके गया। आपने अभी तक सैलरी भी नहीं दी ना, इसलिए जल्दी जल्दी चलने लगी तो मेरी चप्पल ही टूट गई। टूटी चप्पलों से चलने पर मेरी बस भी छूट गई। आजा मेरी सैलरी दे देंगे ना, उससे मैं बाजार जाकर चप्पलें खरीद लूंगी, फिर बस भी मिस नहीं होगी, लेट भी नहीं होगा। मेरी सैलरी हाँ, तुम सब लोग तनखा करके मेरी क्या बे? तुम सब लोग तनखा करके मेरी जान खाते रहते हो क्या है बे? यहाँ पर क्या मैंने नोटों का पेड़ लगा रखा है? अबे क्या भरतनाट्यम कर रहा है? चल भरतनाट्यम नहीं है जी, कार है सर। अरे कार हो या बेकार हो, तुम क्या बार बार तनखा अरे मैडम आपके लिए ऊपर सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, जाइए जाइए मैडम, जाइए जाइए। खबरदार जो लेट आके तनखा मांगी तो। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप, एक ही बात की रट लगा रखी है। मैडम कितनी देर खड़ी रहेंगी यहाँ पे? आप जाइए मैडम, आप जाइए, आप जाइए। क्यों बे? मुझे ही पट्टी पढ़ा रहा है क्या है यहाँ? बोलना गधे। यही थी कार गायब, कैसे हो गई कार? कौन सी कार? एक तमाचा लगाऊंगा सब समझ में आ जाएगा। क्या हुआ? हमारी कीर्ति मैडम है ना, करोड़पति राम मोहन की कार से यही उतरी थी। अरे मैंने कहा था ना, 1000 रुपए दिए थे जिसने, उन्हीं की कार से उतरी थी यहाँ पे। कार आ गई, आ गई कार। हाँ कार है, पता था कि तू कार के नीचे जाएगा, इसीलिए मैंने इंजन को बंद कर दिया। देखो मैडम मेरी कार में अपना पर्स भूल गई थी, ये उनको दे देना। हाँ चलता हूँ। मैडम मैडम, इसका मतलब हमारी कीर्ति देवी और राम मोहन के बीच कुछ और नहीं तो क्या? और तुम उसे डांट रहे थे? अरे गलती हो गई बहुत बड़ी बेटा। कीर्ति देवी। क्या हुआ सर, डांटने के लिए कुछ बैलेंस बचा है क्या? डांट लीजिए, लेकिन स्टूडेंट के बाहर जाने के बाद। शर्मिंदा मत करो बेटी, मैं तो सठिया गया हूँ। देखो बेटा आज से तुम मुझे सर कहकर मत बुलाना, चाचा जी कहके बुलाना। बेटी तुम्हारे पिताजी की मैं बहुत इज्जत करता था। हाँ मैडम। उनकी बेटी मतलब मेरे सगे भाई की बेटी जैसी हो तुम। मैंने तुम्हें बचपन में अपनी गोद में खिलाया है मेरी बेटी। कंट्रोल कीजिए सर। थैंक्स चाचा जी। थैंक्स को गोली मारो बेटी। वो राम मोहन जी को एक बार, सिर्फ एक बार अपनी कंपनी में ले आओ बेटी। राम, ये राम मोहन कौन है? जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं। तुम जब उनके कार से उतरी थी तभी मैं समझ गया था कि तुम्हारे और उनके बीच कुछ। छी, ऐसा कुछ नहीं है, वो कार ना। तुम मुझे कुछ मत बताओ बेटी। अरे तुम्हें किस चीज की कमी? तुम तो राजकुमारी हो और वो करोड़पति। प्रेम करने में कोई बुराई नहीं है, ये तो सबको होता है, ये तो ईश्वर की देन है। ये ईश्वर की देन है प्यार व्यार में? मैंने कहा ना बेटी मैं तुम्हारे बाप जैसा हूँ, फिर डर किस बात का है? देखो तुम चाहो तो हफ्ते में 3 दिन छुट्टी कर सकती हो। राम मोहन जी के प्यार को तुम रोज धीरे धीरे बढ़ाओ। लेकिन उन्हें एक बार हमारी कंपनी में लाकर उनसे थोड़ा सा डोनेशन दिलवा दो तो कंपनी के कर्जे उतर जाएंगे ना। कंपनी के कर्जे? मेरे घर का किराया भी तो 2 महीने से नहीं भरा है। ओहो मुझे बताया भी नहीं बेटी, कितनी परेशानी हुई होगी तुम्हें। ये लो 3 महीने की तनख्वाह ले लो और किराया भर दो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने। श्री कृष्ण भगवान की बोलो जय। भक्तजनों, पहले मैं अपना परिचय करवा देती हूँ। मैं दूसरों की तरह कहानी नहीं सुनाती हूँ, बस शहर शहर घूमती हूँ, कोने कोने में कृष्ण भक्ति फैलाती हूँ। मुझे सब लोग कन्या कुमारी कहकर बुलाते हैं, लेकिन देखा जाए तो मैं ना तो कन्या हूँ और ना ही मैं एक कुमारी हूँ। एक बच्चे की माँ हूँ मैं। शाबाश, इन भजनी लोगों के बीच पैदा हुई थी, इसीलिए सब लोग मुझे भजनी की कन्याकुमारी कहकर बुलाते हैं। ये क्या, खुद को भजनी कह रही हो? सबको मालूम है मेरे घर का नाम भी भजनी विला करके है। लगता है हम दोनों के बीच जरूर कुछ है। बीच की बात करेंगे तो मेरे दिल में सुरीली सितार बजने लगती है। हाँ। ये भजन तो खत्म होने दो सेठ। हाँ। पता चल जाएगा। हाँ। कि हमारे बीच में हाँ। कुछ न कुछ तो जरूर होगा। शाबाश। ये सब देखने के बाद मेरे दिल में मृदंग जोर जोर से बजने लगे सेठ जी। हाँ। तो सेठ जी, क्या आप उसे शांत करेंगे? ठीक है, अब सब लोग घर जा सकते हैं। कल फिर मिलते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। इतनी जोर से नहीं बजाते, टूट जाएगा। टूटने का डर नहीं है, मैं यहाँ का कमिश्नर हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए सब कुछ सहकर अपने बालों को खींचता रहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी जैसी भक्तिन से मेरा जन्म जन्म का टूट बंधन है। ये तो सेठ जी आपकी महानता है, लेकिन मेरे साथ आपने कोई बंधन नहीं बांधा, मेरी विनती भी नहीं सुनी। जरा धीरे 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 सेठ जी, पहले मेरे तन को देखो, बरसों से संभाल रखा है इसे, मेरे कुछ और चाहने वाले हैं। मेरे पूरे शरीर को सोने से भरने के लिए हमारे मेहमान सेठ जी कुछ ज्यादा ही जल्दी में हैं। ये सब उनके चेहरे से ही झलक रहा है। क्या बात है, क्या हुआ दादाजी? बाहर आप बहुत नाच गाना करते हो ये तो पता है, लेकिन नाटक कंपनी में कब से शामिल हो गए हैं आप? दादाजी, घुमा फिरा कर बात करने की जगह सीधे बताइए ना। ये बिल का क्या मतलब? ये कीर्ति देवी कौन है? नाटक कंपनी के खर्चे का क्या मतलब? और इसे हमारी कंपनी में क्यों भेजा गया है? ये सब क्या है, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता, ये तो आश्चर्य की बात है। आपकी जानकारी के बिना हमारी कंपनी में बिल कौन भेजेगा? हाँ दादाजी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और मुझे भी नहीं आ रहा है। बोलना क्या है दादाजी, ये जरूर नाटक कंपनी का ही कोई नाटक लगता है। मैं भी नाटक खेलकर इसका पता लगाता हूँ। ये कवच न जाने कितने दिनों से मेरे पास है। नमस्ते। ये कौन बोला? नमस्ते नमस्ते। आप इस कंपनी के प्रोपराइटर हैं? आ? क्या मैं देखने से प्रोपराइटर नहीं लगता? पर तुम यहाँ पर क्या रोल मांगने के लिए आए हो? तुम्हारी पर्सनालिटी ड्रामे की नहीं है, फिल्मों की है। बम्बई में ट्राई करोगे तो हीरो बन जाओगे। बम्बई किस लिए जाना, मैं तो हैदराबादी हीरो हूँ, और मैं कोई रोल मांगने के लिए नहीं बल्कि बिल के लिए आया हूँ। बिल? कौन सा बिल? बिल वही जो कॉस्ट्यूम का बिल आपकी कंपनी ने हमारी कंपनी राम मोहन इंटरप्राइजेस को भेजा। हाँ वही बिल। आहा, तो आप राम मोहन इंटरप्राइजेस से आए हैं? आप वहाँ क्या है? मैं भी उसी कंपनी का प्रोपराइटर नहीं बिल कलेक्टर हूँ। ओह, आइए आइए आइए, बैठिए आइए आइए ना। हाँ बैठिए। अरे जाओ साहब के लिए कुछ ठंडा वंडा लेकर आओ। हाँ तो ये बिल हमारे ऑफिस में क्यों आए? आपके ऑफिस नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे? अरे बिल में इन द अकाउंट ऑफ कीर्ति देवी लिखा हुआ है, देखिए। मैंने देखा, लेकिन ये कीर्ति देवी कौन है? क्या कहा, कीर्ति देवी कौन है? अच्छा अच्छा, इसका मतलब आपको कहानी पता नहीं है। आप शक्ल से भोले भाले लगते हैं इसलिए बता देता हूँ। अरे वो आपकी कंपनी की होने वाली मैडम है। क्या मैडम? हाँ, कीर्ति देवी हमारे इंस्टीट्यूट की डांस टीचर है। सोना है सोना, उसके और आपके बॉस राम मोहन जी के बीच में लपक झपक है। हाँ? लपक टपक? हाँ लपक टपक। हाँ। मतलब? इसका मतलब नहीं जानते, दोनों में लव है। क्या मतलब, हमारे मालिक राम मोहन जी को कीर्ति जी से लव है? हाँ जी, और उन्हीं के हाथों से कीर्ति देवी हमारी कंपनी को 1,00,000 रुपए दिलवाने वाली है, और ये बात तो मैं अखबार में छपाने वाला हूँ। लगता है दोनों में बड़ा गहरा प्यार है। राम मोहन जी की मोहब्बत, कीर्ति जी से मिल सकता हूँ क्या? ए, तुम लोग बाहर जाकर बाकी की तैयारी करो, जाओ यहाँ से। किस लिए?
रेट ज्यादा लगे ये पूछना है, वो सब तो चलता ही है ना। इतनी बड़ी कंपनी में छोटा डिस्काउंट दो तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मना कर दिया। बाकी रेट सब बराबर ही होंगे, आप खुद ही देख लो। देख लो, और एक बात है, इन बिल को जल्दी पास करवाओगे तो मैं तुम्हें 5% कमीशन दूंगा। क्या मुझे 5% कमीशन? ओके 7 और आधा बढ़ा लो। मैं कीर्ति देवी जी से बात करने के बाद बताऊंगा। 10% वो हैं कहाँ? 10.5 अब इससे ज्यादा नहीं दे सकता मेरे बाप। ठीक है, लेकिन वो हैं कहाँ? मैडम ऊपर हॉल में है। हाथ छोड़ो। 10% कमीशन लेगा? मैं नहीं देने वाला, बाप का माल है क्या? क्या रे मास्टर जी, ये बिल कलेक्टर मेरे हिसाब से उस दिन कार के नीचे गिरने पर 1000 रुपए देने वाले राम मोहन जी लग रहे हैं। इस बिल कलेक्टर को राम मोहन जी बोल रहा है? ये ठंडा वापस लेके जा। तदी तन तधीन, तदी तनाधीन, तदी तन तधीन। फिर से एक बार करो। 1 2 3 4 1 2 3 4 तदी तन तधीन, तदी तनाधीन, तदी तन तधीन, तदी तनाधीन। आप कौन? आज की क्लास खत्म है, आप लोग जाइए। गुड, बहुत अच्छा डांस किया, कीप इट अप। बस थोड़ा मोटापा कम कर लेना, बहुत अच्छा सिखाया आपने। वो तो ठीक है, पर आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? मैं आपके टेलरिंग के बिल। ओहो, टेलर ने भेजा है ये सब क्या है? आपको हर बार बताया जाता है, फिर भी इतना ढीला सिला आपने। प्रोग्राम में सबके सामने लूज हो गया तो? वहाँ सिलकर यहाँ आने तक कपड़ों का साइज बढ़ गया क्या, या आपने खींच दिया? देखिए इसका साइज। माँ जी, आपके कपड़े बड़े हो गए या उन्होंने ढीला सिला है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं टेलरिंग का आदमी ही नहीं हूँ। फिर आपने अपने ड्रामा कंपनी के बिल्स भिजवाए थे, वही राम मोहन इंटरप्राइजेस, वहीं से मैं आया हूँ। क्या कहा, आप राम मोहन इंटरप्राइजेस से आ रहे हो क्या? हाँ जी। अच्छा, पहले दरवाजा बंद करो। दरवाजा? वो किस लिए? क्या बताऊँ, प्रेस वालों को बुलाकर हमारा मालिक न्यूज देना चाहता है, वो आए दिन मेरी जान खाता है। आप जाके दरवाजा बंद करिए ना। इतना ही है ना? आप जाइए ना। तब ठीक है। अच्छा, आप वहाँ काम करते हो क्या? हाँ, बिल कलेक्टर। बिल कलेक्टर? हाँ जी, बिल कलेक्ट करने का काम करता हूँ। इन बिल्स को राम मोहन जी ने देखा है क्या? नहीं देखा, अभी तो मैं ही चेकिंग के लिए आया हूँ। मैं एक फालतू मुसीबत में पड़ गई हूँ जी, मैं उन्हें जानती तक नहीं हूँ और देखा भी नहीं है। अब नहीं देखा तो क्या, मिलेंगे तो देख लेना। नहीं जी, उन्हें देखे बिना इतनी मुसीबत में पड़ गई हूँ, देखूंगी तो क्या होगा। जाने अनजाने में झूठ बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप उनको ये बिल्स मत दिखाना, मैं आपको थोड़ा कमीशन दिलवा दूंगी। यहाँ भी कमीशन? लगता है अखबार वाले आ गए हैं, आप उन्हें किसी तरह यहाँ से भगा दीजिए प्लीज। ठीक है। नमस्ते। आप कौन? मैं अखबार का रिपोर्टर, मेरे अखबार का नाम सूरज और मेरा पूरा नाम किरण पार्वती किशोर है। कीर्ति जी का इंटरव्यू लेने वो अभी बिजी है। अभी क्या बिजी है वो, एक बार उनका नाम अगर मेरे अखबार में आ गया तो वो और भी ज्यादा बिजी हो जाएंगी। सुनिए मिस्टर उजाला। किरण जी? हाँ वही किरण जी, आपके नए सूरज पुराने सूरज में अपना नाम नहीं देना चाहती, इसलिए उन्होंने मना किया है, आप जाइए यहाँ से। ये क्या बात है, सभी जवाब तुम ही दिए जा रहे हो, तुम हो कौन? राम मोहन। हाँ? प्रोपराइटर ऑफ राम मोहन इंटरप्राइजेस। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, आदाब अर्ज सर, फिर मिलूंगा सर, चलता हूँ सर। आने वाले हफ्ते में मैं इस न्यूज को हेडलाइन बना दूंगा सर, हेडलाइन पढ़ के आप भी चौंक जाएंगे सर, प्यार के हवाई जहाज की ऊंची उड़ान। कैसा लगा सर? सबसे बकवास लगा। मुझे भी ऐसा लगा सर, तो क्या हुआ, बदल दूंगा सर, ऊंची उड़ान प्यार का हवाई जहाज। चलता हूँ सर, चलता हूँ सर, चलता हूँ। आप अपना काम करिए, काम करिए। ओहो, तो ये बात है, उनकी गाड़ी से लिफ्ट लेकर यहाँ कार से उतरने के बाद सब गड़बड़ हो गई। कैसे लग रहे छोले? वाह, स्वाद बहुत बढ़िया है। कितना भी खाओ लेकिन मन नहीं भरता। अब हमारी ड्रामा कंपनी को भेजे सारे बिल्स, उनका क्या करोगे? क्या करना है अब आप ही बता दो। उन सारे बिल्स को राम मोहन जी के सामने बिल्कुल मत जाने देना प्लीज। ऐसा करके? कुछ नहीं, अपनी माँ से पूछ कर ये सोने के कंगन बेच कर उनका पैसा लौटा दूंगी। वो तो ठीक है, तुम्हें इससे बढ़िया आइडिया बताऊं मैं? हाँ बताइए, आप दिखने में भी बहुत शरीफ लगते हो, आपका आइडिया जरूर अच्छा होगा, बताइए।
देखो हाँ? राम मोहन तो बहुत बड़ा आदमी है, तुम्हारी कंपनी ने तो उसके और तुम्हारे बीच लपक झपक को कंफर्म कर दिया है। कल अखबारों में भी आ जाएगा, अखबारों में जो छपे उसके जरिए उन्हें ब्लैकमेल करके बहुत सारे पैसे कमा सकते। डार्लिंग डा 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 डार्लिंग डार्लिंग डा 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 इस दिल की चुल्लना मुझको ही चुल्लना, ये प्यार जो है मेरा रख लो ये नजराना। बजने लगा मन तक दिन ताम गाओ मेरे संगम घर घर सनिसा डाले डा 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 डा। जब छा जाती है किरणों की लाली, तेरे रूप से झुक जाती है फूलों की डाली। सुबह सुबह जब छा जाती है किरणों की लाली, तेरे रूप से झुक जाती है फूलों की डाली। संग संग यूं ही चलो पक्षियों को नीचे, जन्नत आके मिले कदमों के नीचे। हौले हौले बजे प्रेम की ये सरगम, फूल भी खिलने लगे प्यार से ओ हमदम। इस दिल की सुन लो ना मुझको ही चुन लो ना, ये प्यार जो है मेरा रख लो ये नजराना। बजने लगा मन तक दिन तम गाओ मेरे संगम घर घर सनिसा डार्लिंग डा 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 डा। करता हूँ जानू तेरे रूप पे मरता हूँ मैं इतना मैं मानू, कैसे बताऊँ कितना प्यार मैं करता हूँ जानू तेरे रूप पे मरता हूँ मैं इतना मैं मानू। बात समझ लो ना तुम पे है मरते प्यार बहुत हम तो तुमसे है करते, तेरे बिना अब तो जीना नहीं हमको, जीवन अब अपना सौंप दिया तुमको। इस दिल की सुन लो ना मुझको ही चुन लो ना, ये प्यार जो है मेरा रख लो ये नजराना। बजने लगा मन तक दिन ता गाओ मेरे संगम घर घर सनिसा डार्लिंग डा 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 हे डार्लिंग डा। द्वापर युग में मक्खन खाकर 16,000 गोपियों में कुछ गोपियों को अपनी रास लीला से मन मुक्त करते हैं हमारे मुरलीधर। अपनी सुंदरता से किस तरह से मोहित करते हैं सबको, शाबाश। मुरलीधर की मोह में है गोपिका, इस मुरलीधर की बंसी को ना रोकना।
मुरलीधर की मोह में है गोपिका, इस मुरलीधर के बंसी को ना रोकना। शाबाश कन्या, हम जागरण में हरि की कथाएं रोज ही सुनते रहते हैं, लेकिन चटकियां नहीं बजाते। फिर सिर्फ अपनी हरी कथाओं पर ही आप चटकियां क्यों बजाती हैं? बताइए जरा। लगता है वो आ गए। स्वामी आजा, इधर आजा। मुझे? मैंने सुना है कि आपके प्रोप्राइटर नाटक कंपनी के प्रोप्राइटर को डोनेशन देने वाले हैं। ये सच है क्या? मैंने भी ऐसा ही सुना है। सच है या झूठ मैं नहीं जानता। ओह, क्या स्वामी भक्ति है, मालिक के रहस्यों को इस तरह से छुपा रहे हो। वाह वाह वाह। लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है, सुनेंगे क्या? हाँ बताइए बताइए। वहाँ और क्या रखा है? वही पुराना नाटक और बच्चों का डांस, फटे हुए तबले और बेसुरे सितार। मेरी चटकियों को देखो, टका टक टका टक। अगर यहाँ बजाओ तो वहाँ सुनाई देगा। और यहाँ हमारी मंडली में कथाओं का आयोजन होता है। हमारे यहाँ तरह तरह की कहानी का प्रदर्शन होता है। राजा, आपके प्रोप्राइटर राम मोहन जी से मेरी इन चटकियों का परिचय करवाइए। परिचय करवाओ, किस लिए? अध्याय कहानियाँ सुनाने के लिए। वो तो पश्चिमी सभ्यता में पले हैं, कथाएं उनको पसंद नहीं। तब तो इंग्लिश कहानी सुना दूंगी, एज यू लाइक इट, रोमियो जूलियट ऑमलेट एंड बटरलेट, सारा कुछ सरलता से और सब कुछ डिस्काउंट में भी, साथ में दो कहानियाँ फ्री। बस एक बार राम मोहन जी को एक बार हमारे मंडली में तो लेकर आइए। आए हुए डोनेशन से मैं तुम्हें 10% कमीशन भी दे दूंगी। यहाँ भी कमीशन? अगर ये काफी नहीं है तो तुम्हें दो बच्चों की कहानी और एक कथा फ्री सुना दूंगी, ठीक है ना? थोड़ी कोशिश करना, आपके कष्ट दूर कर दूंगी। चलती हूँ, अंदर भक्तजन कष्ट में है, कथा आधे में छोड़कर आई हूँ। रघुपति राघव राजा राम। अरे राम मोहन, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर राम मोहन जी की तरफ से हमें डोनेशन नहीं मिला तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। हमने सब तैयारियां कर ली। अब मैं क्या करूँ चाचा जी? मैं सब कुछ बता देती हूँ, वो राम मोहन जी है ना। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगी। अगर पैसा नहीं मिला तो मेरे सर पर जो बाल बचे हैं ना, वो भी उड़ जाएंगे। आप उससे ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप खुद तो राम मोहन जी से बात नहीं करोगे, ये मुझे पता था, इसीलिए आपकी तरफ से मैंने बात कर ली। आपने बात कर ली? क्या बात कर ली? मैडम जी को अपनी ड्रामा कंपनी के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, इसीलिए मालिक को 1,00,000 का चेक देने के लिए कह दिया। वाह बेटा, बहुत अच्छी खबर सुनाई, अब हमें चैन की नींद आएगी। ऑल राइट, आप सभी कल सुबह 9 बजे मयो डिनर हॉल पहुंच जाइएगा। हाँ। मैडम के साथ राम मोहन जी वहाँ आएंगे। हाँ। और आप अपना चेक ले लीजिएगा। अरे नहीं नहीं सुनो। मैडम, कल आप लोगों को राम मोहन जी से मिलवा देंगे और चेक दिलवा देंगे आपको। लेकिन मेरी बात तो सुनो। आप कुछ मत कहिए, राम मोहन जी आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। चलिए चलिए। बेटी, राम मोहन जी ने बुलवाया तो जाओ ना। चलिए। अरे तुम्हारी क्लास हम देख लेंगे, जाओ। चलिए। क्यों मिस्टर, कल सब लोगों को होटल में बुलाया क्या? सोचकर, दिमाग तो ठीक है? मैंने ऐसे ही सबको नहीं बुलाया, बहुत सोच समझ कर फैसला लिया था। क्या सोच समझ कर? मुसीबत में डालने का? नहीं, मुसीबत से बाहर निकालने का। देखो, उन्होंने राम मोहन को अभी तक नहीं देखा है और ना ही उनसे मिले। जब वो सब होटल में आएंगे तब मैं ही राम मोहन बनकर वहाँ रहूंगा, समझ गई? हाउ इज इट? तुम और राम मोहन? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगूतेली। इस कुर्ते पजामे में तुम्हें राम मोहन कोई नहीं समझेगा। तो कोट पहन लूंगा। वो कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, तुम कर सकोगे वो सब? उनसे भी ज्यादा। अगर राम मोहन जी खुद भी सामने आ जाएं, तो उन्हें भी विश्वास दिला दूंगा वो नकली और मैं असली हूँ। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, ओके? ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम राम मोहन बनकर ही आना। और जब वो आपसे चेक मांगेंगे, कह देना चेक बुक घर बुलाया। अगले दिन राम मोहन जी विदेश चले गए, ये मैं बता दूंगी। सब समझ गए ना? ओके। हाँ सब ओके है ना? ओके तो है, लेकिन तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, मुझे डर लग रहा है। तुम संभाल लोगे ना? बिल्कुल ठीक। उसकी जगह तुम लोगे, तुम्हारी जगह वो लेगा, पता नहीं आगे क्या होगा। देखो तुम जरा संभल के रहना। हा? मैं संभल कर रहूंगा, डोंट वरी। पहले मुझे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? अगर ये बात राम मोहन जी को पता चल गई और तुम्हें देखकर, पैसों के बारे में भूलकर, तुम्हारी सुंदरता को देखकर ये कहें कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो तुम क्या कहोगी? इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। तुम्हारे पास तुम्हारी दौलत है, तो मेरे पास मेरे साथ की। सच्चे दिल से उभरने वाला प्यार और दौलत से उभरने वाला प्यार एक जैसे नहीं होते, ये बताऊंगी। ठीक है, मैं तो तुम्हारी ही तरह हूँ ना, अगर ये बात मैं पूछूं तो। कीर्ति जी। हाँ? सॉरी, अगर पसंद नहीं हो तो मना कर सकती हो।
अपनी पसंद या नापसंद वाली बात मेरे बस में नहीं है। अपनी पसंद बताऊं या फिर नापसंद बताऊं? तुम्हारी इच्छा है, चाहे जो करो। हा? नमस्कार सर। हा? राम मोहन जी कहाँ हैं? आप क्या उन्हें ढूंढ रहे हैं? राम मोहन को मैं हाँ हाँ बेटा। अच्छा आप कौन है सर? मैं, आप भूल गए क्या सर, राम मोहन जी के अकाउंट्स को देखने वाला बिल कलेक्टर हूँ सर। बिल कलेक्टर? अच्छा मैं कौन हूँ ये बता सकते हैं आप? अरे वाह सर, आप भी ना, आप राम मोहन जी के दादाजी हैं ना? हे भगवान, मेरा रोल तो मेरा ही है। अच्छा आपके साथ जो लड़की है वो कौन है? ये कीर्ति जी हैं, बड़ी डांसर हैं, बहुत अच्छा नाचती हैं। अच्छा है, ये बताइए राम मोहन जी को आपने कहीं देखा है सर? मैंने? हाँ? नहीं तो सर, हम दोनों तो इस सस्ते होटल में छोले भटूरे खा रहे थे। छोले भटूरे, वो भी सस्ते होटल में? सर हमारे राम मोहन जी को भी यहाँ के होटल में छोले भटूरे खाते हुए दोनों फॉरेन्स के डेलीगेट्स के साथ मीटिंग करने के लिए बोल दूं क्या? ये सब कैसे बता सकता हूँ सर, ये भी आइडिया बुरा नहीं है सर। सॉरी सर, अंदर छोले भटूरे सच में बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो कुछ खाकर जाइए ना सर। चार भटूरों के साथ एक छोटा सा समोसा फ्री है सर। अच्छा ठीक है सर, लेकिन फिर भी मैं 12 प्लेट भटूरों को पार्सल करवा लेता हूँ, क्योंकि मेरे राम मोहन को भी तो पसंद आ सकते हैं ना। क्या बात कही है सर। सर सर, मेरे राम मोहन जी आपको कहीं दिखाई दे तो उन्हें एक मीटिंग पर जाना है, मेरी तरफ से कह देंगे? दिखाई दिए तो बोल दूंगा, अगर नहीं दिखे तो मैं क्या कर सकता हूँ। करेक्ट है, दिखे तो बता देना, नहीं दिखे तो भी बता देना, लेकिन दिख कर ना दिखे तो क्या करेंगे सर? सर मुझे कंफ्यूज मत कीजिए सर। मुझे माफ कर दीजिए सर। अब मैं क्या जानूं कि वो किस होटल में बैठकर छोले भटूरे खा रहे होंगे सर। वो बच्ची आपका इंतजार कर रही है, आप जाइए, जाकर अपना काम कीजिए। कौन थे वो बेटा, वो कौन थी? बहुत अच्छी लड़की है दादी माँ। अच्छी दिखने वाले अच्छे ही होते हैं, पर ये बताओ कि वो थी कौन? वही जिसने बिल्स भिजवाए थे। ओहो बिल्स, बिल भेजने वाली को अच्छी कह रहे हो? वो सब एक लंबी कहानी है, इनमें बस एक यही बुराई है। अब ये कौन सी कहानी है जो मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है? मैं समझ गई, तुम बोलो बेटा। दादाजी ने ही कहा था दादी माँ, किसी को सुधारना है तो तेज तर्रार लड़की को ही घर में लाना चाहिए। मैंने ऐसा कहा था? जरूर कहा होगा, खुद का एक्सपीरियंस है बेटा। शादी से पहले जब मैं स्टेज पर थी तब दीवार पर चढ़कर आंख मारी थी, एक जमकर लगाई तो नीचे गिरा और पैर टूट गया। हॉस्पिटल में हमारा प्यार हुआ, अमरापुर में शादी हुई। वो बिफोर इंडिपेंडेंस की बात है, लड़की से थप्पड़ खाने के बाद उसी लड़की से शादी करेंगे, अगर ये बात बाहर पता चली तो कल सुबह हमारे घर के बाहर थप्पड़ मारने के लिए लड़कियों की भीड़ लग जाएगी। तो क्या उन सभी लड़कियों से ये शादी करेंगे? क्या कह रहे हो, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हो। आपकी तरह मेरा बेटा पीछे हटने वाला नहीं है, गलत सही की सूझबूझ है उसमें, खुद चाहे जितनी भी गड़बड़ करो लेकिन दूसरे को सलाह दो। अरे बेटा उस लड़की से मुझे भी मिलना है। ठीक है। अरे उसे मिलने की क्या जरूरत, लड़की अच्छी ही दिखती है, लेकिन ये बिल का चक्कर ये ठीक नहीं है। कोई चक्कर नहीं रहेगा, उस लड़की को यहीं लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले हम दोनों के बीच में एक छोटी सी गड़बड़ है, वो कल ही सॉल्व हो जाएगी, उसके बाद मिलवा दूंगा। ये खा लिए, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, हाँ जाओ जाओ बैठो। हेलो राम मोहन जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ? आपके लिए स्पेशल मेन्यू लाया हूँ, ऑर्डर दीजिए। थैंक यू सर। ये क्या, ये तुम्हें राम मोहन कह के बुला रहे? मुझे ऐसे बुलाने के लिए मैंने उसे 100 रुपए टिप दिए। हाय। हेलो राम मोहन, हाउ आर यू? फाइन। चलो ना कोई ड्रिंक लेते हैं, साथ में गेस्ट है। लेडी गेस्ट? ये देखो तुम वहाँ उस टेबल पर बैठ जाओ, जो खाना है खाओ, सारा बिल मैं पे करूँगा। ओके इट्स ऑल राइट लेडी गेस्ट। अब ये कौन थी? राम मोहन जी की इस पूरे शहर में बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, आपके लोग मुझ पर विश्वास कर सकें, इसलिए इस लड़की को टिप देकर बुलाया था। ये लड़की इस होटल में स्वीपर है। स्वीपर है? सर क्या बे, आपको लगता है यही राम मोहन है? क्या बक रहा है,
हमारी कंपनी में उस दिन आए बिल कलेक्टर की तरह नहीं लगता है। आंखें फोड़ दूंगा। ये जब वो बिल लेकर आया था तब उसे राम मोहन जी ये कह रहा था, अब जब साक्षात राम मोहन जी सामने बैठे तो उन्हें बिल कलेक्टर कह रहा है। जी करता है तेरा सर फोड़ दूं। चुपचाप बैठ के खा। सुनो, ये सब हमारी नाटक का गैंग है। थोड़ी देर ये और रुके तो हमारी पोली यहीं खोल देंगे। इन्हें जल्दी से यहाँ से दफा करो। ठीक है, उन्हें बुलाओ। चेकबुक भूल गए, यही कहोगे ना? हाँ। कल सुबह आने के लिए कहोगे ना? हाँ जी। जरा संभल कर। ओके, आप बुलाओ। चाचा जी। ना ना ना, बैठो बेटी, बैठो बैठो। महाराज श्री राम मोहन जी के दिव्य मुख के दर्शन का श्री श्री रंग मार्तण्य नाट्य कला केंद्र पूर्ण अभिनंदन कर रहा है। कहिए। आपकी सबसे प्यारी, जान से प्यारी, स्नेह दुलारी कन्याकुमारी, तुम्हारी पुजारी कुमारी कीर्ति देवी हमारे यहाँ ही डांस सिखाती है, ये तो आप जानते ही है ना? कीर्ति जी ने बताया था, लेकिन आप जरा सीधे तरह से बात करेंगे? आप जैसे बड़े लोगों से हम इसी तरह से बात करते हैं। आपके शुभ हाथों से अपने मार्तण्य नाट्य कला केंद्र के लिए कुछ सहयोग चाहते हैं। कीर्ति जी, कितना देना है बताओ? एक लाख दे दीजिए, लेकिन आप तो चेकबुक नहीं लाए ना? देखता हूँ। अरे चेकबुक तो लाया हूँ मैं। कीर्ति जी, एक लाख ना? महाप्रसाद, और सिर्फ प्रसाद ही नहीं, कंद, मालकंद, माधुरी, सिपाही सब रुपए ही हैं। ठीक है, 1,25,000। दान कर्ण, गजा कर्ण, गोप कर्ण, स्वर्ण कर्ण, इन सबसे भी ज्यादा धन्य हैं आप। और 25,000 जोड़ लो। काया तपस्वी महातपस्वी भूमि तेजस्वी शंभो शंकर। ठीक है, 2,00,000 ले लो। अरे बाप रे। ये ले। श्री 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 रंग मार्तण्य नाट्य कला केंद्र के दान दाता की जय। ये सब क्या है, ये क्या नाटक है? इसमें नाटक क्या है, चेक मांगा था, दे दिया। मुसीबत से बाहर निकलने के लिए चेक ना देने का बहाना करने के लिए कहा था मैंने। अब वो चेक लेकर बैंक जाएंगे तो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे पता है आपको? चाचा जी रुकिए। क्या हुआ बेटी? साहब एक और चेक देने वाले हैं क्या? नहीं, उन्होंने जो चेक आपको दिया है वो नकली है। नकली है? क्यों? वो राम मोहन जी नहीं है। क्या क्या कहा? आपकी हड़बड़ी से बचने के लिए उस बिल कलेक्टर को चेक ना देने के लिए कहा था, लेकिन उसने आपको चेक दे ही दिया। ये चेक असली नहीं है। नकली चेक? देखा कैसे हमें बेवकूफ बनाया, चलो अभी देखते हैं उसे। नहीं नहीं चाचा जी, उन्हें माफ कर दीजिए, मेरी हेल्प करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, आप उन्हें कुछ मत कहिए प्लीज। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चलो अंदर चलो। आप यहाँ के मैनेजर हैं? एक आदमी ने हमें नकली चेक देके बेवकूफ बनाया है, वो बाहर चला जाए, इससे पहले पुलिस को फोन करो। चाचा जी तुम रुको बेटी, चाहे कुछ भी हो तुम पुलिस को फोन करो। बताऊं? यही है वो, पकड़ लो। खुद को राम मोहन जी कहकर मुझे नकली चेक दिया है, अरेस्ट कर लो। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? अब आपको कितनी टिप दी है? टिप की क्या बात है, इस तरह के 100 होटल खरीद सकते हैं वे, फिर आप लोगों को नकली चेक देने की जरूरत क्या है इनको? असलियत में राम मोहन जी यही हैं। बड़े आदमी के ऊपर नकली कंप्लेंट करते हो, चलो पुलिस स्टेशन। अरे मालिक, आप चाहे तो 100 जूते मार लीजिए। कोई बात नहीं। 100 नहीं तो 1 तो मार ही लीजिए मालिक। उठिए उठिए, नहीं तो आपके इन जूतों से मैं खुद को मारूंगा। गेट अप। बेटा भले ही जूतों से मारना चाहो मार लो, लेकिन दिल पर मत लेना। माफ कर दो मालिक। देखिए अपने ड्रामा कंपनी की ड्रामे की तैयारी कीजिए, ठीक है? वाह, बहुत बड़ा दिल है बेटा तुम्हारा, चलता हूँ बेटा। माफ कर दिया ना? हाँ माफ कर दिया, अब जाइए। तो फिर ठीक है, चलता हूँ सर। थैंक यू। कीर्ति जी, मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं था, उस लिबास में ही हम मिले थे, उसमें ही दोस्ती हो गई, मैं खुद ही तुम्हें समय आने पर बताने वाला था, लेकिन इस तरह से गलत मतलब निकाल लोगी मैंने सोचा नहीं। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, दिल से चाहता हूँ, मुझे तुम अभी जवाब दो, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, कल सुबह फ़ोन करके बता देना, कल मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। ओके?
मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, दिल से चाहता हूँ। मुझे तुम अभी जवाब दो, ऐसा जरूरी भी नहीं है। कल सुबह फोन करके बता देना, कल मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। हेलो कीर्ति जी, हेलो कीर्ति जी, हेलो कीर्ति जी, कीर्ति जी, कीर्ति देवी कोणी, मैं सेठ बोल रहा हूँ। मैं सुकुमार सेठ बोल रहा हूँ। होटल बुक हो गया के? हाँ हो गया। तब तो आज रात बहुत बहुत मजा आवेगो। आना कहाँ पे है भाइयों, ये तो बता मने। बड़े अस्पताल में इलाज करवा रही है। क्या होया उन्हें? एड्स, एड्स है? आपको आने को कहा है। हे भगवान, मने फोन किया तो ये मत बोलियो उसे। फोन रख रास्कल। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। क्या बेटी, जोड़े के नाम पर पूजा करवानी है? नहीं पुजारी जी, भगवान के ऊपर ही अर्चना करिए। ठीक है बेटी। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति। मैं सामान्य आदमी बनकर मिला आपसे, इसीलिए आज सामान्य आदमी बनकर पूछ रहा हूँ आपसे। आपको मुझसे शादी करना पसंद ना हो तो आप इस मंदिर से बाहर जाने से पहले ही बता देना, मेरी परवाह मत करना। मैं आपसे ये आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सोच कर फैसला करो। ओम पंच परमेश्वर 33 कोटि के देवी देवता रक्षा करें। आरती लो। भगवान से प्रार्थना करो, जल्दी हमारी शादी हो जाए। क्यों रे, तू तो सीधे घर ही लेके आ गया। ए लड़की, तू कौन सी फोन नंबर वाली है पता नहीं, लेकिन इसके साथ तू सीधे घर आ गई, तेरी इतनी हिम्मत? कौन है, किस पर बरस रही हो तुम? छोले भटूरे। छोले भटूरे, सस्ता होटल। ओहो, ठीक से समझाओ ना। तुम्हारा पोता सस्ते होटल में बैठ के इसके साथ छोले भटूरे खा रहा था, इसलिए घर ले आया। नई नवेली दुल्हन आ जा, अपना सीधा पैर रख कर अंदर आ जा, गुणों से भारी गुणवती आ जा, तू अपने सपनों के घर आ जा। मेरी दादी को मनाना हो तो जल्दी से जाकर उनके पैरों को पकड़ लो। मुझे डर लग रहा है। जाओ। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं दादी माँ, जरा पैर फिसल गया। फिसलते तो देखा नहीं, ऐसा लगा किसी ने धक्का दिया हो। जाओ। शुभम। हाँ जी। हाँ तो अब ये बताइए कि आगे के लिए क्या सोचा है आपने? आप भी ना कभी भी कुछ भी पूछते हो, अब बच्चों से क्या पूछते हो? मैं समझ गई बेटा।
अगर आप समझ गई तो शायद मैं भी समझ गया। मुझे तो ये बहुत पसंद है। हाँ दादाजी, पापा कह रहे थे ना, इसीलिए ले आया। तुम्हारा नाम क्या है? कीर्ति जी। तुमसे पूछा क्या? आपको पता है कीर्ति जी बहुत अच्छा नाचती हैं, डांस में महारत हासिल है। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी सब में गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। कराटे में ब्लैक बेल्ट। एक बात और, कीर्ति जी बहुत अच्छा खाना भी बनाती हैं। दादी माँ, आज आप रसोई घर में नहीं जाएंगी, सारा खाना कीर्ति जी बनाएंगी। दादी जी, कीर्ति जी के हाथ का बनाया हुआ खाना खाकर आप गदगद हो जाएंगी। कीर्ति जी स्वागत है। वो मुझे बहुत डर लग रहा है, समझते क्यों नहीं? डरने की जरूरत नहीं है, अपने हाथों का करिश्मा दिखा दो। हेलो। हाँ पिताजी, मैं राजा। ओहो मेरे बेटे, बहुत अच्छे समय पर फोन किया है आपने। आपकी होने वाली बहू को आपका बेटा घर लेकर आया है। पहले अपनी बहू से बात कीजिए। आओ बेटी। तुम्हारे ससुर जी अमेरिका से बात कर रहे हैं, बात करो। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है बेटा? ब्लड ग्रुप मुझे नहीं पता। और हार्ट बीट? हार्ट बीट पल्स रेट तो पता होगा ना? पल्स रेट? क्या कह रहे हैं आप? बेटी जरा फोन मुझे देना। क्यों जी, आपकी होने वाली बहू की जाति क्या है, गोत्र क्या है, नाम क्या है, ये सब छोड़कर ब्लड ग्रुप क्या है, पल्स रेट क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, ये पूछ रहे हो? जितना पूछा उतना काफी है। पिताजी आपका बीपी कैसा है? मेरा बीपी ऊपर 400 और नीचे 300 और बीच में मैं हूँ। मूली खाया करिए, ठीक रहेगा। मूली? आदि मानव होता तो कंद मूल खा लेता, मगर आप यहाँ मत आना। हाँ हाँ, मुहूर्त निकलते फोन कर दूंगा, रखो फोन। हाँ, आज तुम उनको अपने हाथ का धमाकेदार खाना पकाकर खिला दो। मैं कहता हूँ, इस लड़की के चेहरे को देखकर मुझे खाने का अंदाजा लग रहा है, इसलिए कह रहा हूँ कि खाना आदर... अगर खाना खराबी बना हो तो अपना मुंह बंद करके खा लेना, वरना तुम्हारे खैर नहीं। क्या कर रहे हो? क्यों जी, लगता है घर में मिर्ची खत्म हो गई है। बहुत अच्छा है बेटी, क्या खाना बनाया है, बहुत अच्छा है ना? अच्छा बना है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। माँ ने कहा था जैसा भी हो बना देना, मैंने अभी अभी नमक मिर्च डालना सीखा है, लगता है मिर्च थोड़ी सी कम पड़ गई। थोड़ी सी नहीं, ज्यादा हुई है बेटी। क्यों जी, जब आप खाना बनाती तो मुंह से पानी निकलता है, लेकिन बहुरानी के बने खाने से आंख नाक कान सारी जगह से पानी निकल रहा है। क्या हुआ बेटी? मिर्च ज्यादा हो गई ना? ज्यादा हो गई है तो कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर, एक हफ्ते के अंदर बढ़िया खाना बनाना मैं तुझे सिखाऊंगी। अच्छा बेटी, अब हंसो, हंसो ना। हंस देना, हंस देना, हमको भी तो हंसना है। हंस दे, हंस दे। रूप है सखिला जैसे दीप कोई जला, रूप है सखिला जैसे दीप कोई जला, मैं तो खुश हूँ इस जीवन में तेरा साथ ऐसा मिला। तनना तन तनना तन तनना तन तनना तनना तन तनना तन तनना तन तनना, बस तू ही साथी मेरा ये दिल मेरा कहने लगा, बस तू ही साथी मेरा ये दिल मेरा कहने लगा, मेरे दिल के हर धड़कन में बस तेरा ही नाम लिखा। तनना तन तनना तन तनना तन तनना तनना तन तनना तन तनना तन तनना। मैं बन के तेरे लिए ये मन तरसे, होए होए होए, चाहो जो सब कुछ तुम ले लो, ऐसे ना मुझको तुम छेड़ो। अरे अरे अरे, तुझको है पाना तेरा हूँ दीवाना, तुझको है पाना तेरा हूँ दीवाना, ये दिल है जो हर दम तेरी ही पूजा करे। I'm not afraid to die।
अरे तनना तन तनना तन तनना तन तनना तनना तन तनना तन तनना तन तनना रूप है सा खिला जैसे दीप कोई जला बस तू ही साथी मेरा ये दिल मेरा कहने लगा में है ऐसा जादू रहता नहीं दिल पे काबू दिल से धड़कन से चाहा है तुझे मन से दिल से धड़कन से चाहा है तुझे मन से इस जीवन के राह में अब मेरे ही संग चलो न छूटेगा ये साथ अब चाहे जियो मरो तन तनना तन तनना तन तनना रूप है सखिला जैसे दीप कोई जला बस तू ही साथी मेरा ये दिल मेरा कहने लगा मैं तो खुश हूँ इस जीवन में तेरा साथ ऐसे मिला तनना तन तनना तन तनना तन तनना तन तनना तन तनना तन तनना अच्छी होना श्रीमती कीर्ति परशुराम ए, तुम इन्हें कैसे जानते हो कैसे जानता हूँ वैसे ही जैसे रावण अपनी पत्नी मंदोदरी को जानता था भस्मासुर अपनी पत्नी रेवती को जानता था वैसे तुमने किसकी परमिशन से प्यार किया प्यार किया या कुछ और भी किया प्यार करने के लिए तेरे परमिशन की जरूरत नहीं है चल हट हट जाऊं मुझे हट जाने को कहते हो ये मेरी पत्नी है धर्म से बनी मेरी धर्म पत्नी पर तू कौन है बीच में बोलने वाला कीर्तिका वैसे मैं देवता हूँ और इसको समझ लो मेरी दासी इस तरह से ये मेरे सामने किसी परपुरुष के साथ घूम रही है और तू मुझे जाने को कह रहा है पागल समझाए ये तुम क्या कह रहे हो हाँ यहाँ आकर ताता थैया सिखा रही है कीर्ति रानी अपने पति के सामने तो नहीं नाचती मेरे सामने भी नाचा करो हम दोनों अपनी आंखों में आंखें डालकर बातें करेंगे ना बोलो ये क्या चल रहा है पर पुरुष के साथ बोलो बोलो कह रहा हूं ना
जिसने जो कहा क्या वो सब सच है? मैं पूछ रहा हूँ, वो सच है? सच है। शाबाश, यहाँ आकर ताता थैया सिखा रही हो बेबी, यहाँ अकेली का कमर हिला रही हो? यहाँ से चलो मेरे घर के सामने नाचा करो, मैं तेरी आंखों में आंखें मिलाकर डांस करूंगा बेबी। मैं तुझे फिल्मों की टॉप स्टार हीरोइन बना दूंगा, तू सिनेमा जगत में छा जाएगी, चमक चमक तारों की तरह चमकेगी और तुम्हारे रूप से मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा। चलें, सारेगामा पादा, पाधानीसा सासा, सानीसानी पादा, पादा रे। कीर्ति बेटी ने तुम्हें धोखा दिया, मैं ये नहीं मानता। सच बात क्या है उसे पूछने से खुद बता देगी। मुझे लगता है वो जरूर किसी बात से डर रही है, मैं जाकर उससे पूछूं क्या? दादाजी, अब उस बारे में मैंने सोचना बंद कर दिया है, भगवान के लिए आप भी मत सोचो। मोहन, जहाँ छाव है वहाँ धूप भी आ सकती है, लेकिन जहाँ धूप है वहाँ छाव का आना जरूरी नहीं है, समय के हिसाब से हमें पहचानना है। प्लीज आप लोग मुझे अकेला छोड़ दो। अरे माँ, कितनी पतली हो गई हो। माँ, जब तक ससुर जी थे तब तक आप तंदुरुस्त थी, अच्छी खासी थी, दुख तकलीफ तो कोसों दूर था आपसे। गले में आपके साक्षात सरस्वती का वास था और जब आपकी उंगलियां हारमोनियम पे चलती थी बड़े मीठे सुर निकला करते थे। ये देखो माँ, तुम्हारी हालत कैसी हो गई है बताओ। मुझे बहुत दुख हो रहा है माँ, आज से पहले मैंने कभी तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देखी। माँ, लड़का तो बहुत अमीर पकड़ा था, अब मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मेरा क्या होगा, मेरे बांधे हुए मंगलसूत्र का क्या होगा। उस अमीर लड़के की प्यार के चक्कर में आकर झट से तोड़ दिया ना तुमने हमारे विवाह का बंधन। चलो, बांधा हुआ मंगलसूत्र गया तो क्या नया नहीं आ सकता। अभी तो मैं जिंदा हूँ। देखना इस बार इस मंगलसूत्र की 300 गांठें बांधूंगा, जिससे तुम तो क्या कोई भी नहीं खोल पाएगा। इस बार भले तुम्हारी गर्दन झुक जाए लेकिन ये रहना चाहिए, पकड़ो। यहां क्यों आया हूं यही सोच रही हो ना? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया ये पूछने के लिए आया हूं। तुम दोनों माँ बेटी मिलकर मेरे साथ जो नाटक का ये खेल खेला है यही पूछने आया हूं, क्या ये सब सच है? कीर्ति जी के साथ उसकी शादी की ये बात सच है? टेल मी। तो प्यार का नाटक कैसा? ये सब आप तो जानती थी ना मां, फिर भी आप चुपचाप क्यों रहीं? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, कम ऑन प्लीज जवाब दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। बताओ प्लीज, स्पीक आउट। स्पीक आउट क्या है ब्रदर? स्पीकर को बांध कर टेंट लगवाकर बैंड बाजे के साथ एक पात्र ने दूसरे पात्र से बहुत सी तालियां बजवाई थी, समझे? ये बड़ों के आशीर्वाद से बनी हुई जोड़ी है बाबू, जो 7 जन्मों तक चलेगी बाबू। ये शादी आखिर कैसे हुई थी? देवता को साक्षी मानकर हुई थी, इसके पिता की सहमति से हुई थी और इसकी माँ भी वहीं पर मौजूद थी। मैं सब सच कह रहा हूँ, इतने सारे लोगों के सामने मैंने मंगलसूत्र बांधा है और तुम पूछ रहे हो कि हमारी शादी कैसे हुई, ये गलत है ना? ये सबसे छोटी उंगली है, इसी उंगली को पकड़कर ये मेरे घर आई थी, अगर मैंने चुटकी बजा दी तो। इन गुंडों को बुलाकर मुझे डराना चाहता है? ये अनामिका उंगली है, शादी के दिन शादी की अंगूठी इसी उंगली में पहनी जाती है, पर ये तो खाली है। कोई बात नहीं, अपनी तरफ से अपने खर्चे पर मुझे एक अंगूठी पहना देना। अंगूठी नहीं, तुझे तो अब मैं कफन पहनाऊंगा। ये मध्यम उंगली है, बिना वजह से बीच में आए तो जरा संभल के रहना तुम।
वही बात मैं तुझसे भी कह देता हूँ। ये तर्जनी उंगली है। शादी करने से पहले जिस लड़की से शादी होनी है ये उंगली उसको दिखाई जाती है। कुछ समझ में आया? उससे पहले तुझे मैं ये उंगली दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। और ये अंगूठा है, आखिरी उंगली। और अगर इसके बाद भी तुम यहीं रुके रहे तो इस अंगूठे को खून में डुबाकर खून से माथे पे तिलक लगा लो। जुबान बंद कर। मिस्टर राममोहन, हमारी पर्सनल लाइफ में दखलअंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जाइए यहाँ से। हम दोनों की शादी हो चुकी है। ये कब आएंगे ये सोचकर मैं इनका इंतजार कर रही थी। बीच में आपके इस नाटक को देखकर मैंने भी नाटक किया था। पैसों के बलबूते पर कुछ भी कर लेने की गलत फहमी पालने वाले आपको सबक सिखाने के लिए ही मैंने ये प्यार का नाटक किया था। मैं आपसे कोई प्रेम प्रेम नहीं करती। आपने बहुत पैसे वाले होकर एक बहुत गरीब बनने का नाटक किया, इसलिए मैंने भी नाटक किया। शादीशुदा होकर भी तुम्हें कुमारी बताया। हम दोनों की शादी हो गई, ये सच है, सच है, सच है। समझ में आया? चले जाइए। कीर्ति देवी, बिना देखे उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ मैं, और तुम मुझे ही चूना लगाने की कोशिश कर रही हो। अगर ये चालाकी तेरी माँ के पास होती तो तेरा बाप जिंदा होता, और अगर मैं तेरे बाप को मार कर जेल ना गया होता तो हम दोनों के छोटे छोटे दो बच्चे होते, शंकर दादा, शंभू दादा। लेकिन अब तक कोई भी दादा पैदा नहीं हुआ, तुम इसका बिल्कुल भी अफसोस मत करना। सुनो कीर्ति देवी, शंकर दादा और शंभू दादा के बारे में हम रात को एकांत में बात करेंगे। रेस्ट कर डालें। प्रेम के मौसम में, चाहत के आंगन में, ये जिंदगी है क्यों जली, कैसी सजा है ये मिली, कैसी सजा है ये मिली। प्रेम के मौसम में, चाहत के आंगन में, ये जिंदगी है क्यों जली, कैसी सजा है ये मिली। क्या खता थी मेरी बतला दे, समझा दे जिंदगी में, गम मिले क्यों आज राहों में, चाहूं मैं हर खुशी में, बिछड़े दिलों को मिला दे, प्यार वाला गुल खिला दे, सुनी है बाहें तरसे निगाहें, सुनी है बाहें तरसे निगाहें, जाने जा बोल दो रास्ता, बोल दो। प्रेम के मौसम में, चाहत के आंगन में, ये जिंदगी क्यों जली, कैसी सजा है ये मिली, किसकी सजा है ये मिली। प्रेम के मौसम में, चाहत के आंगन में, ये जिंदगी क्यों जली, कैसी सजा है ये मिली। La 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 la
जले हैं मेरे सपने ये अनखिले, इस तरह से क्यों बहा है मेरा आशियां दरिया में डूबता सा। राह में ही मैं खड़ी हूँ, दर्द में ही यूं पड़ी हूँ, मैं ये किससे बोलूं, लब को कैसे खोलूं, मैं ये किससे बोलूं, लब को कैसे खोलूं, सजना आ भी जाओ, जालिमा आ भी जाओ। प्रेम के मौसम में चाहत के आंगन में ये जिंदगी है क्यों जली, कैसी सजा है ये मिली, कैसी सजा है ये मिली। कुमारी, किसी गलती के सुधार के लिए हमारी इस भारतीय सरकार ने कठोर से कठोर सजा को कम करवा दिया है। वैसे किस तरह से चल रही है तुम्हारी चटकियों वाली हरी नाम की कथाएं? जगह जगह घूमकर आप जैसे महानुभावों से मिले प्रसाद से ही तो अपना पेट भरती हूँ महाप्रभु। हाँ, तुम जो भी करती हो अपने लिए ही करती हो ना, सच कह रहा हूँ ना। आप जैसे बड़े लोगों के वियोग से सारी जिंदगी इंतजार करते ही, या फिर आप ही जैसों के छाव में ही तो हम जैसे को जीवन मिलता है। मैं तुम्हें जीवन दूंगा तो मेरी बीवी को जीवन कौन देगा? तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं कितना पत्नी व्रता इंसान हूँ। हाँ पता है, पता है आप कितने पत्नीव्रता हैं। सिर्फ मैं ही हूँ जो जानती हूँ कि आप कितने योग पुरुष हैं महाप्रभु। हाँ कुमारी, तुम्हारा व्रत तो वाकई टूट गया है। ये तुम्हारा ही बेटा है ना? मैंने कहा पैदा किया है, वो तो खुद पैदा हो गया। इसे छोटी बहन चाहिए होगी ना, चले अंदर। तो अब जा। अब अंदर क्या बाहर क्या, सब आपका ही तो है। मैं मना कर सकूं इतनी हिम्मत नहीं है स्वामी, लेकिन व्रत रखा हुआ है, श्री राम नवमी चल रही है, इसीलिए राम जी की रामायण सुना रही हूँ। कहानी पूरी हो जाने दो, फिर बाद में निपट लेंगे। ओहो, रामायण, महापंडित रावण की कथा, बहुत महान कथा है। उस लंका का पति रावण असुर, और कलयुग की लंका का पति तुम्हें पता है ना, ये परशुराम। अपनी एक सी कहानी है, उनकी कथा कहने का मतलब मेरी कथा कहने जैसा है। पूजा पाठ हो, भक्ति हो, सत्संग हो, किसी तरह का कोई काम हो, मैं दखल नहीं देता। आप अपना आना जाना बंद मत कर देना स्वामी, आपकी आंखें देखने के बाद मेरे सारे शरीर में सिरहन से उठती है। नमस्कार साहब। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आपको ऐसे उदास देखकर हमें लगा कि हमें आपको सच बता देना चाहिए। बताइए। कीर्ति देवी की माँ आपसे कुछ बात करना चाहती है, उसकी इच्छा है। अब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, अगर आप एक बार चलकर कीर्ति देवी से बात करेंगे तो आप दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो जाएगी। हम चाहते हैं कि आप लोग राजी खुशी रहें सर। हाँ मालिक। करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने बहुत पैसे वाले होकर एक बहुत गरीब बनने का नाटक किया, इसलिए मैंने भी नाटक किया। हम दोनों की शादी हो गई, ये सच है, सच है, सच है। शादीशुदा होकर भी तुम्हें कुंवारी बताया, मैं आपसे कोई प्रेम प्रेम नहीं करती। हम दोनों की शादी हो गई, ये सच है, सच है, सच है। Let's go. Okay. ऐसे क्या देख रही हो? पहले कुछ समझता नहीं था, इसलिए ऐसे ही आवारा गर्दी करता था। तेरा प्यार मिलने पर एक अच्छा इंसान बन जाएगा सोचा था, लेकिन आज फिर से वही कर रहा है। तूने उसे धोखा दिया, इसलिए वो अपने आप को बर्बाद कर रहा है। जानबूझकर गलत रास्ते पे जा रहा है। क्या करूं समझ में नहीं आता। देखो बेटी,
औरत का दिल समंदर की तरह होता है, उसमें अमृत के साथ जहर को भी छुपाने की शक्ति होती है, लेकिन कभी कभी बहुत देर हो जाने के बाद इस बात का पता चलता है। अब उसकी हालत भी बहुत खराब होती जा रही है, बड़े बूढ़े होने के बाद भी हम उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि पहले वो हमारे लाड़ प्यार से बिगड़ा था, लेकिन अब तेरे प्यार में जान देने पे तुला है। इसका पागलपन सुधरेगा या नहीं, यह ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बोलो ले, तुमसे ही दिल है लगा, अरे रे बोलो रे, बोलो रे मैं क्या करूं। बोलो ले, तुमसे ही दिल है लगा, अरे रे बोलो रे, बोलो रे मैं क्या करूं। बारह महीने के इकरार में मैं तो लुट ही गया हूँ तेरे प्यार में, बारह महीने के इकरार में मैं तो लुट ही गया हूँ तेरे प्यार में। बोलो ले, बोलो ले, बोलो ले, तुमसे ही दिल है लगा, अरे रे बोलो रे, बोलो रे मैं क्या करूँ। इस दिल की तुम हो धड़कन, अब तेरा ही ये तन मन है खिला मेरा जीवन, हो तुम ही मेरे हमदम। इस दिल की तुम हो धड़कन, अब तेरा ही ये तन मन है खिला मेरा जीवन, हो तुम ही मेरे हमदम। ये प्यार अपना कम ना होगा, अब जिंदगी में गम ना होगा, अब जिंदगी का अंक तो मेरा, हर सफर में संग चाहिए तेरा। दिल मिले गुल खिले, मन भी है हरा भरा, हम चले तुम चलो, चल पड़े जरा जरा। अपना हो जाए पूरा सपना, आ तुझको दिल में भर लूं, अपना तुझे मैं कर लूं। आ कर ले मुझको अपना, हो जाए पूरा सपना, अरे तू ही मेरे दिल पर आ जा, आजा मेरे पास दूर तो न जा। यूं हर पल तू नजर ना लड़ा, मैं हूँ तेरे लिए ही खड़ा। देख लो जान लो, मैं हूँ तेरी दिल रुबा, प्रेम तो तुझसे है, मैं हूँ तेरी प्रेमिका। बोलो ले, बोलो ले, बोलो ले, तुमसे ही दिल है लगा, अरे रे बोलो रे, बोलो रे मैं क्या करूं। बारह महीने के इकरार में मैं तो लुट ही गई हूं तेरे प्यार में। बोलो ले, तुमसे ही दिल है लगा, अरे रे बोलो रे, बोलो रे मैं क्या करूं। डिनर पर मिलते हैं, बाय। ए रुको, मेरा नाम रुको नहीं, सुजैन है। मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, मुझे तुमसे कुछ काम है। तुम्हें मुझसे क्या काम हो सकता है? अब से वो यहाँ नहीं आया करेंगे। मेरे घर आकर मुझे कानून पढ़ाने वाली तुम कौन होती हो? तो उनके बिगड़ने से मुझे खुशी होगी? प्यार करती हो उनसे? दोस्त हूँ उनकी। आहा, वो दोस्त जिसने उन्हें खुद दूर कर दिया, अब चली आई हो तुम दोस्त से निभाने।
तेरा मुंह देखकर ऐसा लगता है कि तुझे राम ने ही अपने से दूर कर दिया। मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हें उनके पास बिल्कुल नहीं आने दूंगी। ये देख, तू जैसे को दूर करने के बाद मुझ जैसे लोग पास आ जाते हैं, ये हमारा फायदा है। तुमने उसे दूर किया, ये तुम्हारी गलती है। मुझे डराने से मुझे नहीं लगता तुम्हारा कोई फायदा होगा। जिस पैसे वाले का दिल टूटा हो उसके पास मैं न रहूं तो मुझ जैसे हजारों आएंगी। तुमने तो उसे रास्ते से हटा दिया, लेकिन रास्ता ना मिलने पर वो कहीं का ना रहा। अगर ऐसा नहीं होता तो वो आज यहाँ मेरे घर पर कभी नहीं होता, और ना ही तुम आज यहाँ मेरे घर आने की हिम्मत करती। गेट आउट। अरे कीर्ति बेटी, वहाँ क्यों रुक गई बेटी? आओ अंदर आओ। भगवान, देखो तो कौन आया है। तुम आ गई कीर्ति बेटी, आप बैठो। हम दोनों की शादी कैसे हुई थी यही कहने के लिए तुम्हें राम के घर भेजा है ना? तुम्हारी माँ ने, मेरी सास ने, तेरे पीछे एक बड़ी सी घड़ी लटकी होगी, जरा मुड़के तो देख। दो सुइयां होंगी, एक छोटी वाली और एक बहुत बड़ी वाली। उस घड़ी में अभी टाइम 8:55 हुआ होगा, लेकिन 9 तक तुम्हें अपने घर में होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। सिर्फ 5 बचे हैं। अगर तुमने वहां कुछ कहा या 5 के अंदर अंदर घर नहीं पहुंची तो 9:01 पर तेरी माँ की लाश के पास रखा हुआ दीपक तेरा इंतजार कर रहा होगा। समझ गई ना तुम? मैं चलती हूँ। रुको बेटी, जल्दी क्या है? मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। फोन किसका था बेटी? फोन नहीं, कुछ नहीं, किसी का नहीं, पता नहीं, मुझे अर्जेंट जाना है। ये क्या बेटी, अभी तो मोहन को कुछ बताने आई थी। वो नहीं, नहीं, रहने दीजिए। रुको बेटी, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ, खा के जाओ। नहीं नहीं, रहने दीजिए। रुको ना बेटी, इतनी जल्दी क्या है, रुको। दरअसल क्या है ना दादाजी, मैं वो। क्या हुआ बेटी, तुम मोहन से कुछ कहने आई थी ना, बिना कहे ही जा रही हो। दरअसल वो क्या है, इतनी जल्दी किस लिए बेटी? मुझसे कहा था आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए देखने आ गई थी। मेरी तबीयत? नहीं नहीं, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है दादाजी, इसलिए जाना पड़ेगा, मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी क्या है बेटी, पहले बैठ तो जाओ। नहीं नहीं, मैं चलती हूँ। कीर्ति, ये ले बेटी। नहीं दादी, मैं कुछ नहीं खा सकती। ऐसा नहीं करते बेटी, कुछ तो लो। मैं पानी पी लेती हूँ, मैं चलती हूँ। ये आई और बिना कुछ कहे ही चली गई, फोन आते ही ऐसे अचानक क्यों चली गई? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई। अपना पसीना पोंछ लो, अभी मरी नहीं है वो। चली तो रिवॉल्वर ही थी, लेकिन गोली तेरी माँ को नहीं लगी। मेरे रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं है, लेकिन मुझे सेंस तो है ना, इसे कहते हैं सिक्स सेंस। अभी इतनी आसानी से नहीं मारूंगा तेरी माँ को। इसी बुढ़िया की जान को दांव पर लगाकर मुझे न जाने कितने काम निकलवाने हैं। देखो, अगर तुमने इस तरह की चालाकी दिखाई तो, या हमारी शादी का राज उस राम के घर में खुला तो अमेरिका से नया बम मंगवा कर और श्री हरिकोटा से रॉकेट मंगवा कर और उसमें ये बम रख दूंगा। एक तरफ तेरी माँ होगी, दूसरी तरफ ये बम होगा, और इसी तरह रॉकेट के साथ तेरी माँ भी धड़ाम से उड़ के तेरे बाप के पास पहुंच जाएगी। हे, सुन, अभी तेरी माँ मरने से बच गई, इसलिए अंदर जा, खुशी मना। मत बेटी, राम नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, ये राक्षस उसे आने नहीं देगा। तुझे कहीं ऐसे अनाथ बना कर ना चली जाऊं, मैं इससे डर रही हूं मैं। नहीं माँ, राम आएगा तो जो भी सच है वो सब बताकर, उसे तेरा हाथ सौंप कर मुझे कम से कम सुकून से मौत तो आएगी ना। माँ ऐसी बातें मत करो माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर तुम नहीं होगी तो मेरा क्या होगा माँ? देखो बेटी, आज का दिन तो मेरे साथ रहे, आज की रात तो मेरे सीने से लग के सो जा,
से कब मेरे शरीर में जान रहे तब तक तो मैं तेरे साथ ही इस बात की तसल्ली होगी। मेरे लिए इतना ही काफी है। आ जा बेटी। आहा, ओहो, ओए माँ, घोड़े भी तो है यहाँ। मुझे तो ये राज दरबार लगता है। आपके इस दरबार को देखकर तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई मेरे महाप्रभु। कन्या, नवरात्रि को पूरा होने दीजिए महाप्रभु। इस स्वर्ग के महाराजा तो आप ही हो ना। और हाँ, उस लड़की के ऊपर किस लिए फालतू का झगड़ा करते रहते हो? अब आप तो इतने सुंदर हो कि आपके लिए लड़कियाँ झगड़ा करेंगी, ना कि आप उनके लिए। कन्या, मैं उसके लटके झटके देखकर उससे झगड़ा नहीं करता। उसके बाप के मरने के बाद मेरे होने वाली सारी दौलत अभी तक उसी के नाम पर है। लेकिन पहले वो मेरे नाम पर तो होने दो। वो क्यों नहीं होगी? जरूर होगी, लड़की भी और दौलत भी। नवरात्रि के बाद सारी रातें शुभ होंगी। वही रात आपके लिए शुभ रात है महाप्रभु। मुहूर्त और मेरे लिए? तुम्हारे और कीर्ति की मिलाप का शुभ मुहूर्त। अगर ऐसा हुआ तो झगड़ा नहीं होगा। सुनो, तुम यहाँ से कहीं मत जाओ। यहीं रहकर तुम काल सर्प की निवारण विधि करो। तुम बाहर नहीं जा सकते। इसलिए मुझे बाहर ना जाने के लिए कह रही हो मेरी कुमारी? अच्छा 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 अच्छा, इधर राहु, इधर केतु, बीच में अपना जीतू। तू मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली है ना? हम दोनों के बीच पुल बनने वाला है ना? और तू भी तो मेरे साथ में है ना मीना कुमारी? और तेरी हर बात मानने वाला ये तेरा तोता। महाप्रभु, सच में आप युग पुरुष है। जब तक ठीक समय ना आ जाए तब तक इसे पीकर अपना काम चलाइए। तब तक मैं आपके लिए काल सर्प विधि आरंभ करती हूँ। तब हमारी मध्य रात्रि? वो भी होगी, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा महाप्रभु। ये मेरी माँ है। और मैं अपने बारे में खुद बताऊंगा। मैं बैठ जाऊँ यहाँ पर? बैठो बेटा। थैंक यू। मेरे बारे में तो बताया ही होगा, मेरी हालत भी इसने बताई होगी, मुझे क्या चाहिए वो भी बताया होगा। जो मुझे कहना था वो सब तुम्हारी बेटी ने बता दिया। अब बोलने से कोई फायदा नहीं। मुझे एक चीज मिलेगी क्या? क्या चीज बेटा? अभी तक मेरे लिए कॉफी नहीं आई, यही इज्जत है मेरी। लाती हूँ ना। कब? मेरे बोलने के बाद? ये लीजिए चॉकलेट। जब मेरी पसंद की बातें होती तब मैं चॉकलेट बांटता हूँ, और ये चॉकलेट बड़े प्यार से खिलाता भी हूँ। ले लीजिए प्लीज। मुझे मीठा खाए बहुत दिन हो गए। मेरी बेटी को मत बताना। क्यों? मुझे डायबिटीज है, वो मुझे मीठा खाने नहीं देगी। चॉकलेट्स वापस कीजिए ना। क्यों बेटा? कुछ नहीं, उन चॉकलेट्स के रेपर्स के ऊपर शुगर की कंप्लेंट्स वालों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये सब लिखा है। दीजिए, दिखाता हूँ। देखिए, इसमें सारे जहाँ की कड़वाहट है और ये बहुत ज्यादा मीठी है, इससे शुगर बढ़ जाता है। ये तो बिल्कुल खानी ही नहीं चाहिए। सॉरी आंटी, इन चॉकलेटों को आप नहीं खा सकती हैं। कल आते समय मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, बुरा मत मानिएगा। मुझे पता है बेटा, तुमने ये जानबूझकर ले ली। मुझे दिल से हंसे हुए कितने दिन हो गए। आज तुम्हारी बातें सुनकर हंसी को रोक नहीं पा रही हूँ। जरूरी नहीं है कि तुम चॉकलेट लेकर आया करो, रोज एक बार आकर मिल जाया करो। मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। करेक्ट, सही कहा आपने। हंसते हंसाते ऐसे कोई बीमारी नहीं होती। मैं रोज यहाँ आऊंगा और आपको रोज हंसाकर आपकी सारी बीमारियों को हमेशा के लिए जड़ से दूर कर दूंगा। देखने के लिए माँ की आंखें तरस गई थी। माँ तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने तुम्हारे घर गई, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। माँ चली गई और मैं अनाथ हो गई। दिल खोलकर बात भी करना चाहूं तो कोई मेरा अपना नहीं।
तो माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। अब अकेले मेरी जिंदगी कैसे कटेगी? मैं अपने जीवन का अतीत किसी के संग बांटना चाहती हूँ, पर मैं ये सब कुछ किससे कहूँ? मेरा कोई अपना नहीं। पिताजी जब जिंदा थे हम बहुत खुश थे। परशुराम मेरी माँ का सौतेला भाई था, वो हमारे साथ ही रहता था, कुछ काम नहीं करता था। पिताजी कमाते थे और वो पिताजी के पैसों पर ऐश किया करता था, पर ये पिताजी को मंजूर नहीं था। और एक दिन तैयार करो, डरने की कोई बात नहीं, मैं जैसे जैसे कहता हूँ तुम वैसे वैसे ही करो। चलो मैं तुम्हें देखता रहूंगा जानमन, और तुम अपने कपड़े एक एक करके उतारते जाओ। सुनो, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तुम खुद उतारती हो या मैं उतारूं? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। प्लीज। बलात्कार करके तेरे बाप के पास तुझे ले जाने का सोचा था मैंने, लेकिन मैं एक अच्छा आदमी हूँ इसलिए तुम्हें मंगलसूत्र पहना के ले जा रहा हूँ। मंगलसूत्र बांध लूँ या तुम्हें लूट लूँ? रास्कल, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी की और इसे मैं कबूल करूंगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मंगलसूत्र उतार दिया तो मैं चुप बैठूंगा? अंकल, ये छोटी उंगली है और इसी को पकड़कर तेरी बेटी ने मुझसे शादी की थी, लेकिन तुमने तो उस मंगलसूत्र को ही तोड़ दिया। अब उसे उंगली पकड़ने को कहो। बिल्कुल नहीं, ये अनामिका उंगली है और इसी उंगली में दूल्हे को दुल्हन अंगूठी पहनाती है। रिंग 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 नहीं, फांसी का फंदा पहनाऊंगा। ये उंगली मति का है, पति पत्नी के बीच में तुम आ सकते हो क्या? बोलो। अब अगर इसे अपनी पत्नी कहा तो जवान खींच लूंगा तेरी, जान से मार दूंगा तुझे। ये बताने वाली उंगली है, इसी उंगली से तुमने अपनी बेटी का मंगलसूत्र उतार दिया। तुमने ये सब क्यों किया? अब तुमसे ये लोग पूछेंगे। तू कमीना बदमाश है, सारी दुनिया को मैं बता दूंगा। इसे अंगूठा कहते हैं और अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो तेरे खून से अपने माथे पे तिलक लगा लूंगा मैं। चाहे मेरी जान चली जाए, अपनी बेटी को ले जाने नहीं दूंगा। रुक, अभी अभी पुलिस को बुलाता हूँ मैं। उस बदमाश की पत्नी होकर मैं जिंदा नहीं रह सकती। आप मुझ पे तरस खाओ ये सोचकर ये सब कुछ मैं आपको नहीं बता रही हूँ। माँ ये सब कुछ आपको नहीं बता पाई, इससे पहले ही वो चल बसी। मैं ऐसे नहीं जीना चाहती, मैं जिसे चाहती हूँ वो मेरे बारे में गलत न समझे, इसलिए मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया। आपको अपना समझा इसलिए ये सब बता देने की हिम्मत हुई, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैंने आपका बहुत समय बर्बाद किया, आप जाइए। के मरते ही उसके पास भाग गई, कहां जाएगी? चाहे सात समंदर पार भी चली जाए तब भी मैं उसे खींचकर यहां ले आऊंगा। कल की रात लोहड़ी है ना, लकड़ियां जरा ऊंची लगाओ, इस आग के फेरे लेकर मैं दोबारा उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे इसी आग में जिंदा जला दूंगा। कन्याकुमारी बाहर निकल। क्या हुआ, आज बड़े लोग मेरे घर पर आए हैं? तुझे सम्मान देने के लिए नहीं आए, बिना संस्कार वाली औरत से जो पूछते हैं वो पूछने आए हैं। तो रुक क्यों गए, पूछिए। उस परशुराम से मिलकर
कीर्ति की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? मुहूर्त भी निकालोगी? सुन ले, अभी कभी ये शहर छोड़कर चली जा और उस हराम खोर को भी लेके जा। हो गया, जो कुछ भी आपको कहना था कह चुके या कुछ बाकी है? राम मोहन और कीर्ति के बीच में मैं फूट डलवाना चाहती हूँ। आप लोग तो बड़े हो, आपने आज तक किया ही क्या है बोलो? उस लड़की को वो जब जब परेशान करता है, तब आपने कुछ किया क्यों नहीं? आपकी उठी उंगली के सामने आने के लिए सिर्फ मैं ही दिखी थी आप लोगों को। परशुराम कीर्ति की जिंदगी बर्बाद ना कर दे, इसीलिए इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करके मैंने ऐसा नाटक किया था। क्यों पता है? कीर्ति की जिंदगी मेरे जैसी ना हो इसीलिए। मैं कथा इसलिए सुनाती हूँ ताकि अपने बेटे का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकूं। मुझे दोषी मानते हैं। मेरी शादी हुए बिना मुझे इस बच्चे की माँ बनाने वाला वही है। लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलना उसका पैदाइशी शौक है, वो ऐसे नहीं जाएगा। परेशानियां तो आती है और हमेशा ही आती रहेंगी, हंसते रहना हमारा कर्तव्य है। हमने तुम्हें बहुत गलत समझा बेटी, तुम्हारी असलियत जाने बिना हमने तुम्हें क्या क्या कह दिया। आप जैसी जल्दबाजी मुझ में भी है, लेकिन अगर मैं नहीं रहूंगी तो मेरे बच्चे को संभालने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए इतने दिन में जहर के कड़वे घूंट पीती रही। मेरे बेटे को इतने लोग संभालने वाले देखकर अब मुझ में और ज्यादा हिम्मत आ गई है। अब चाहे जो भी हो देखा जाएगा। हेलो। हाँ मैं राजा। ओहो, हमारा बेटा। आपका कॉल था या मेरा? कॉल? मेरा कॉल अभी नहीं आने वाला है बेटा। टेलीफोन कॉल। ओहो टेलीफोन कॉल, वो आपका ही है। क्या हुआ? आपके बेटे की शादी तय हो गई है। मुहूर्त कब का रखा है? मुहूर्त जिस दिन आप अमेरिका से इंडिया आएंगे उस दिन मुहूर्त निकलेगा। मैं कैसे आऊंगा पिताजी, दोनों की शादी कराकर यहाँ भेज दीजिए, मैं उनसे मिल लूंगा। है? आपका बीपी कैसा है पिताजी? मेरा बीपी अब तक नॉर्मल है और नॉर्मल ही रहेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे पोते की शादी तय हो गई है। वो सब ठीक है, मुहूर्त कब का है आप बता दो, मैं ग्रीटिंग्स भेज देता हूँ यहाँ से। शादी का मुहूर्त कब का है मैं आपको खबर कर दूंगा। जिस दिन मुहूर्त हो उस समय आप फोन पर ही आशीर्वाद बरसाने के लिए तैयार रहना, मैं यहाँ से फोन करूंगा, आप आशीर्वाद दे देना, मैं आपका आभारी रहूंगा। थैंक यू। खुद के बेटे की शादी में इन्हें मेहमानों की तरह बुलाना पड़ेगा। आज रामायण का दिन है, इतने सारे दुखों को झेलने के बाद आज शुभ समय आया है। पर रावण ने सीता हरण जैसा बहुत ही घृणित कार्य किया था। Thank you.
क्या हुआ तुम्हारी? क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, वो प्रकृति मुसीबत में है, उसे बचा लो। वध हो गया। रावण जैसे लोगों की मौत हो जाती है, इसे जला दो। रुकिए, इस दुष्ट रावण को अग्नि देने वाला वारिस तुम्हारे सामने है। इधर लाइए, इधर लाइए। बाबा अग्नि दे बेटा। वरवधू को इधर लाइए। राम की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी। लता मंगेशकर की आत्मा भटकाना बंद करो। हाँ जी बेटा जी, आप वहाँ अमेरिका में आशीर्वाद देने के लिए खड़े हो ना? बैठा हूँ, आप कहो तो खड़ा हो जाता हूँ। यहाँ आपके बेटे और बहू अभी अभी शादी के मंडप से सीधे फोन पर आकर खड़े हैं। वहीं से आशीर्वाद देकर अक्षत पर। ठीक है पिताजी। हाँ जीते। रूप है सखिला जैसे दीप कोई जला, रूप है सखिला जैसे दीप कोई जला। मैं तो खुश हूँ इस जीवन में तेरा साथ है ऐसा मिला। तनना तन तनना तन तनना तन तनना तनना तन तनना तन तनना तन तनना। बस तू ही साथी मेरा, ये दिल मेरा कहने लगा।